अगर आप थाईलैंड जाने का सोच रहे हैं और अपनी ट्रिप को प्लान करने का सबसे अच्छा और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एक रीसेंट इंडियन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 16 लाख इंडियंस ने थाईलैंड विजिट किया था, 70 बिलियन भात के करीब खर्चा किया और एक इंडियन का एवरेज ड्यूरेशन ऑफ स्टे था 7 दिन। अगर हम इस स्टैटिस्टिक्स को ब्रेक करें तो एक इंडियन अपने 7 दिन की एवरेज ट्रिप के लिए खर्चा कर रहा है 1 लाख रुपये। बट इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक टिप्स बताना चाहता हूँ जिससे हम अपना ट्रैवल स्मार्टली प्लान कर सकते हैं और इसके हाफ द अमाउंट में हम अपना ट्रिप कर सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजेस ऑन लेजर। सबसे पहली टिप तो ये है कि थाईलैंड की ट्रिप आप खुद ही बनाएं और ट्रैवल एजेंट से आप दूर ही रहें। इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप अपनी ट्रिप आप अपने पेस पे प्लान कर सकते हो। थाईलैंड जाना काफ़ी आसान है, उसकी ट्रिप प्लान करना काफ़ी आसान है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ बुकिंग, और वीज़ा भी काफ़ी ईजी है, चाहे अगर आपको ऑन अराइवल चाहिए हो या आपको यहीं से अप्लाई करना है। और एक और मेजर एडवांटेज है कि ट्रैवल एजेंट का जो छुपा हुआ शेयर होता है उनके पैकेजेस में, वो कॉस्ट भी आपकी सेव होती है जिसको आप कहीं और पर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस मैप को स्टडी करें तो आप अपनी थाईलैंड की ट्रिप को क्लस्टर वे में फॉर्म कर सकते हैं। थाईलैंड के नॉर्थ में काफ़ी माउंटेन्स भरे शहर हैं जैसे कि चियांग माई और चियांग राई। इन जगहों में आप अच्छे व्यूज़ के अलावा ट्रैकिंग और नेशनल फॉरेस्ट रिजर्व्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको थाईलैंड की हेरिटेज और कल्चरल साइट को एक्सप्लोर करना है तो उदो थानी और खोगा जैसी जगहों को कंसिडर करें। अगर हम साउथ ऑफ थाईलैंड की तरफ चलें तो ये बेहद सुंदर जगह है जहाँ पर फुकेट और कराबी को मेन बेस स्पॉट्स कंसिडर किया जाता है। पर साउथ ऑफ थाईलैंड की असली खूबी पाई जाती है उसके नेबरिंग आइलैंड्स में। आइलैंड्स जैसे कि कोताओ, को फैगनन, को सामुई, को फीफी, को तचाई, को बॉन और को सिमिलंस काफ़ी आकर्षक और इजीली फेरी के द्वारा एक्सेसिबल हैं, क्योंकि ये आइलैंड्स काफ़ी सारे हैं और इन आइलैंड्स में आपका स्टे को जस्टिस के लिए एक ट्रिप में सारे नहीं कंसिडर किए जा सकते, तो पिक एंड चूज ही सही ऑप्शन। काफ़ी इंडियन टूरिस्ट कराबी और फुकेट को साथ में क्लब कर देते हैं, बट मेरे हिसाब से क्योंकि ये शहर काफ़ी सिमिलर है तो आप इनमें से एक शहर को सिलेक्ट करके आसपास के आइलैंड्स को साथ में क्लब कर सकते हैं तो आपकी ट्रिप ज़्यादा शानदार होगी। क्लस्टर फॉर्मेशन में अपनी ट्रिप को बनाने का सबसे मेजर एडवांटेज ये है कि आपका पैसा और टाइम दोनों कम स्पेंड करने पड़ते हैं। अगर आपको अपनी ट्रिप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट हो प्लीज़ नीचे मेंशन करें एंड आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। कुछ और यूज़फुल टिप्स जो आप कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि अपना होटल या एयरबीएनबी मेन एरियाज या बीच एरिया से 3 से 4 किलोमीटर दूर करवाएं, जहां आपको बेहतर और सस्ता एकोमोडेशन मिलेगा। स्कूटी लेना थाईलैंड में एक्सट्रीमली कॉमन है और 150 से 250 बाद में ईजिली मिल जाती है। आप अपना फेरी टिकट जो आपको साथ वाले आइलैंड्स पे लेके जाएगा वो आप फिज़िकल शॉप्स जो वहाँ पर होती हैं उसकी जगह ऑनलाइन वेबसाइट जिसका नाम है andamanferry.com से करवाएं, जो एकदम ऑथेंटिक और रियल है। लोकल सिम कार्ड ऑप्शंस बेटर ऑप्शंस हैं। ग्रैब टैक्सी हमारे यहाँ ऊबर और ओला की तरह एक एप्लीकेशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक कुजीन रेस्टोरेंट या लेजर एक्टिविटी जैसे कि मसाज करवाना चाहते हैं तो मेन मार्केट और या बीच एरिया से सिर्फ एक लेन पीछे अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको बेटर और सस्ती ऑप्शंस मिलेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली थाईलैंड वीडियोज़ ज़रूर देखें। थैंक यू।